प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना देहात पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। दरअसल देहात पुलिस ने 12 साल पहले मृतक एक युवक पर पड़ोसी से मामूली विवाद हो जाने पर बिना जांच के मृतक का नाम दर्ज कर दिया। जानकारी के अनुसार यूपी पुलिस के बारे में एक कहावत है कि ये रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बना सकती है। यही कहावत हापुड़ देहात पुलिस ने वाकई में सच करके दिखाई। जनपद की हापुड़ देहात पुलिस ने एक ऐसे युवक को मुजरिम बना डाला जिसकी एक जमीन विवाद में 12 साल पहले गौतम बुद्ध नगर में हत्या हो चुकी थी। तो वहीं देहात थाना पुलिस ने मृतक सोनू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मामलों का खुलासा होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आइए बताते हैं यह पूरा मामला। हापुड़ देहात पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए क्षेत्र में मामूली विवाद होने पर एक युवक सोनू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है, जबकि सोनू की 12 साल पूर्व गौतम बुद्ध नगर के जेवर में जमीनी विवाद को लेकर हत्या हो गई थी। देहात पुलिस का मन जब इतने से भी नहीं भरा तो मृतक के छोटे भाई को किसी और के नाम से हवालत में बंद कर दिया। मामले का खुलासा होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल हापुड़ एसपी संजीव सुमन का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बड़ा सवाल है कि देहात पुलिस ने बिना जांच पड़ताल करे 12 साल पहले मरे युवक के खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया। देखिए थाना हापुड़ देहात में 253/20 एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति सोनू जो कि क्लेम किया जा रहा है उसकी मृत्यु हो गई, उसका नाम दर्ज किया गया है। पुलिस में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जब कोई मारपीट होती है तो जो भी तहरीर आती है थाने पर उसको लिख लिया जाता है, उसको दर्ज कर लिया जाता है। फिर तफ्तीश में आगे देखा जाता है कि कौन सी घटना में था, कौन घटना में नहीं था। जो नहीं होते हैं उनका नाम निकाला जाता है, जो होते हैं उनका नाम प्रकाश में लाया जाता है। तो ये प्रक्रिया चूँकि ये बिल्कुल फ्रेश लिखा गया मुकदमा है, तो जिन्होंने भी तहरीर दी है वादी ने उसका नाम गलत लिखवाया है, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जिनमें अगर गलत पड़ेगा और जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उनका नाम निकाल दिया जाएगा और विवेचना को सही ढंग से और सही क्रम से किया जाएगा इसके मेरिट पर। सर पुलिस ने पहले फैसला करवाया था, फिर मुकदमा दर्ज होता है इसमें? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। फैसला भी पुलिस के पास जब भी कोई छोटे मोटे केसेस आते हैं, दिन भर थाने पे केसेस आते हैं, तो थोड़े बहुत केसेस में दोनों पक्षों में अगर सामंजस्य स्थापित हो सकता है तो करने की कोशिश की जाती है। हो सकता है ऐसा किया गया, ऐसे मेरी जानकारी में नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते हैं तो उसको निपटाना पुलिस का कार्य है, वो हम करते हैं। तो ये जो मुकदमा में जो आप ये वाली बात कह रहे हैं, ये गंभीर इशू है। इसमें जिसने भी तहरीर दी है उनसे भी इस बात पता किया जाएगा, उन्होंने इसका नाम क्यों लिखा जो व्यक्ति लिखता, और इसमें ऑब्वियसली जो सही कार्रवाई है वो की जाए।